हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पायल और आप देख रहे हैं पायल का सफ़र। आपको याद होगा लास्ट सफ़र हमने दुबई का किया था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने 5 डेज दुबई ट्रिप अंडर 40,000 रुपीज़ में किया। अगर अभी तक आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उस व्लॉग के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम दुबई से आबू धाबी के लिए निकले, तो आज का वीडियो आबू धाबी के ऊपर ही है। आबू धाबी में हम कहाँ रुके, हमने क्या किया, हम कहाँ कहाँ घूमे, इस सब के बारे में आपको वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आबू धाबी यूएई की कैपिटल है और आबू धाबी विजिट का बेस्ट टाइम है नवंबर टू मार्च। जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि हमारी बस दुबई से आबू धाबी के लिए नाइट में थी। दुबई से आबू धाबी 140 किलोमीटर है और बस से 2.5 आवर्स का समय लगता है। हमने अलकुबेबा बस स्टेशन से आबू धाबी की बस ली थी। दुबई से आबू धाबी बस कॉस्ट पर पर्सन 500 पड़ा। हमने होटल अल जाहिया एरिया में लिया था। वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी अवेलेबल हैं। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी इस एरिया में ही होटल लें। हमने होटल रमाड़ा में स्टे किया था। हम नाइट में ही होटल पहुंच गए थे तो हमने अर्ली चेक इन कर लिया था। हम काफ़ी थक गए थे तो हमने अपना रूम लिया और रेस्ट कर नेक्स्ट डे आबू धाबी विजिट की तैयारी की। डे वन की शुरुआत की हमने अपने ब्रेकफास्ट के साथ और रेडी होकर निकले अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो था ग्रैंड मॉस्क। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द कंट्री एंड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। यहाँ एंट्री के लिए कोई चार्जेस नहीं है, पर ड्रेस कोड काफी स्ट्रिक्ट है। या तो आप पहले से ही प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाएं, या अंदर से भी आप अबाया ले सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मॉस्क पूरा व्हाइट मार्बल से बना है। इसको 2007 में ओपन किया गया था। इसको बनने में 12 इयर्स लगे थे। ये आबू धाबी की मस्ट विजिटिंग प्लेस में से है। अगर आप आबू धाबी आ रहे हैं तो यहाँ आना मिस ना करें। उसके बाद हम निकले एमिरेट्स पैलेस देखने। एमिरेट्स पैलेस होटल इज द सेकेंड 7-स्टार होटल इन द वर्ल्ड। इसको 2005 नवंबर में ओपन किया गया था। यहाँ स्टैंडर्ड रूम, प्रेसिडेंशियल स्वीट और पैलेस स्वीट है। पैलेस स्वीट इनका सबसे लग्जूरियस स्वीट है, जिसका पर नाइट कॉस्ट 10 लाख रुपीस है। हमने एमिरेट्स पैलेस देखने के लिए गाइड बुक किया था। गाइड का फायदा ये होता है कि आप इसके सभी रूम्स अंदर से देख सकते हैं, अदरवाइज आपको रूम्स देखने की परमिशन नहीं मिलती। गाइड आपको पूरा पैलेस विजिट कराता है और हर चीज के बारे में अच्छे से बताता है। और गाइड के साथ आपको 24 कैरेट गोल्ड की कैपेचिनो भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। यस, आपने सही सुना, 24 कैरेट गोल्ड की कॉफी। बेसिकली कैपेचिनो में 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स डाले जाते हैं। ये कैमल मिल्क की बनी होती है और कॉम्प्लीमेंट्री आपको कॉफी के साथ डेट्स और डार्क चॉकलेट दी जाती है। हमने अपनी कॉफी एंजॉय की। फ्रेंकली स्पीकिंग टेस्ट इज ओके, बट कैन यू इमेजिन हम 24 कैरेट रियल गोल्ड पी सकते हैं। बट आबू धाबी एंड दुबई इज ऑल अबाउट लग्जरी। तो अब हम निकले हमारे आज की लास्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो था प्रेसिडेंशियल पैलेस। अगर आपको फील लेना है कि रियल लाइफ पैलेस अंदर से कैसा लगता है तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। ये इंडिया के राष्ट्रपति भवन से कंपेयर किया जा सकता है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो कलर्स यूज किए गए हैं, जैसे येलो, व्हाइट एंड ब्लू, ये यूएई के लैंडस्केप को सिग्निफाई करते हैं।
ये पैलेस 11 मार्च 2019 में ही पब्लिक के लिए ओपन हुआ है। हमने पैलेस देखा और 7:30 लेजर शो देखने गए। यहाँ का लेजर शो काफी रिकमेंडेड शो है और वो रात में ही होता है, इसलिए हमने लास्ट में यहाँ आना प्रेफर किया। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप प्रेसिडेंशियल पैलेस देखने जा रहे हैं तो इवनिंग में ही जाएं, जिससे आप अपना लेजर शो भी इंजॉय कर पाएं। पैलेस का एंट्री टिकट 1200 है और लेजर शो का अलग से और कोई चार्जेस नहीं है, तो क्यों ना 1200 रुपीज में पैलेस और लेजर शो दोनों इंजॉय किए जाए। इस तरह हमारा पहला दिन खत्म हुआ और हम होटल निकल गए। आप कैब से भी जा सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं। आबू धाबी में मेट्रो नहीं है लेकिन बस वेल कनेक्टेड है। डे टू की शुरुआत हुई और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि हम जाने वाले थे मेरी फेवरेट प्लेसेस। तो आज हमारा प्लान था फरारी वर्ल्ड और यास वाटर वर्ल्ड जाने का। हम रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया और फिर निकल पड़े वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड करने के लिए, जो थी फरारी वर्ल्ड में। फरारी वर्ल्ड और यास वाटर वर्ल्ड दोनों ही यास आइलैंड पर है। यास आइलैंड एक मैनमेड आइलैंड है। फरारी वर्ल्ड में आपको काफी फास्टेस्ट राइड्स और काफी अच्छी अच्छी कार्स देखने मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ यास वाटर वर्ल्ड में आपको वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज करने मिलेंगी। ये दोनों पास में ही हैं, तो आप एक दिन में दोनों देख सकते हैं। हमने फरारी वर्ल्ड और यास वाटर वर्ल्ड का कॉम्बो ऑफर लिया था। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप भी जा रहे हैं तो कॉम्बो ऑफर ही लें। ये आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। आपको दोनों का कॉम्बो 5,000 रुपीज पर पर्सन पड़ जाता है। अदरवाइज ओनली फरारी वर्ल्ड अगर आप सिंगल लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 7,000 रुपीज पर पर्सन। तो हम सबसे पहले यास वाटर वर्ल्ड गए, जहां आपको मोर देन 40 राइड्स, स्लाइड्स और अट्रैक्शन देखने मिलेंगे। अगर आप एक एडवेंचरस पर्सन हैं और वाटर स्लाइड्स आपकी फेवरेट्स में से हैं, तो यकीन मानिए आप यहाँ बहुत इंजॉय करने वाले हैं। मुझे पर्सनली वाटर स्लाइड से ज़्यादा राइड्स पसंद हैं, तो हमने ज़्यादा टाइम फरारी वर्ल्ड में स्पेंड किया। हमने यास वाटर वर्ल्ड में इंजॉय किया और 2 o'clock फरारी वर्ल्ड के लिए निकले। इनके किसी भी पैकेज में फूड इंक्लूड नहीं होता, पर आपको अंदर काफ़ी फूड ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हमने यास वाटर वर्ल्ड में ही अपना लंच किया और हम फिर निकले फरारी वर्ल्ड के लिए। फरारी वर्ल्ड इज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर ऑल द कार लवर्स ऑफ दिस ब्रांड। यहाँ आपको फरारी का हर मॉडल देखने मिलेगा। यहाँ आपको कार का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी देखने मिलेगा। यहाँ बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज अवेलेबल हैं। यहाँ पर काफ़ी शोज भी होते हैं जो सीनियर सिटीजन्स भी इंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है, जहाँ आपकी पूरी फैमिली इंजॉय कर सकती है। हमने पहले काफ़ी राइड्स इंजॉय की और फिर हम गए वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर की तरफ, जिसका नाम है फॉर्मूला रोसा। ये राइड 250 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है। कैन यू इमेजिन 250 किलोमीटर पर आर की स्पीड? इट्स क्वाइट स्केरी, बट बिलीव मी ये यूएई का बेस्ट एक्सपीरियंस था। राइड के बाद हमको मेडल और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये राइड कितनी डेंजरस होगी। इसी के साथ हमारा आज का दिन और यूएई का ट्रिप यहीं ख़त्म हुआ। हमारी फ्लाइट नेक्स्ट डे मॉर्निंग की आबू धाबी से ही थी। इस तरह हमने अपना यूएई ट्रिप ख़त्म किया और निकल पड़े अपने घर की ओर। अगर आप अपना ट्रिप लो बजट में प्लान करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।